हेलो दोस्तों, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। इससे हमारी स्किन फटने लगती है, ड्राइनेस हमारे फेस पे नज़र आने लगती है और हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्योंकि जो है जब हम मेकअप करते हैं तो ये मेकअप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं आता है और कहीं पर भी जाने का हमारा मन नहीं करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं और प्लस स्मूथ दिखा सकते हैं और बिल्कुल भी आपकी स्किन विंटर्स में ड्राई नहीं होगी चाहे जितनी भी सर्दियाँ आ जाए। तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकें। गर्मियों में हमारी स्किन से एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि हम पानी ज़्यादा पीते हैं हमारे फेस पे ऑयल भी आता है जो कि हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। इससे हमारा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, बट विंटर्स में जो है ठंडी हवा के कारण वो ऑयल हमारी स्किन से नहीं बाहर आता है और हमारी स्किन बहुत पानी कम पीने की वजह से हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं हो पाती है। इसीलिए हम अपने फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मॉइस्चराइजर या फिर फेशियल ऑयल को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, बट बहुत सारे फेशियल ऑयल और जो कि मॉइस्चराइजर होते हैं बहुत ज़्यादा केमिकली होते हैं और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं। इसलिए आज मैं आपको रेकमेंड करूँगी कोकोनट ऑयल, जो कि आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में किसी भी ब्रांड का परचेज कर सकते हैं। अगर आप नेचुरली घर में निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल कर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने मॉर्निंग एंड इवनिंग इसको बहुत ही हल्के ऐसे हाथों से मसाज करते हुए अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। इसको जब आप रेगुलर बेस पर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। अगर आपको सडनली कहीं पर जाना है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा फटी फटी सी नज़र आ रही है, तो आपने थोड़ा सा स्क्रब लेकर उसको डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देना है, जो कि ड्राइनेस है उसको दूर कर देना है। उसके बाद आपने जो है कोकोनट ऑयल को मसाज कर देना है। थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर मेकअप कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अगर आप रेगुलर बेस पे इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, आपको अलग से कोई भी मॉइस्चराइजर या फेशियल ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।